ऐसी ऐसी जगहों से निकलना पड़ रहा है रात के टाइम में जंगल से। तो अच्छे से मिक्स हो गया ये पूरा मसाला, देखिए लग गया लग पीस, ये लग पीस चल गया अपने आराम से। तो ये कुछ पकौड़े लेग पीस के भी बना दिए हमने, ये थोड़ा सा तेल ज़्यादा गर्म हो गया। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का एक नई कैंपिंग वीडियो में। तो बाकी काफ़ी लंबा ट्रैक करके हम बीच जंगल के बीचों बीच में आ गए हैं। अभी थोड़ा बहुत 1 किलोमीटर और होगा मेरे ख्याल से, तो 1 किलोमीटर का ट्रैक और है पैदल। तो अभी अंदर जंगल में घुसना है, तो यहाँ गधेरा था, यहाँ पानी भरा हमने क्योंकि घर से लाने में बहुत जो हमारे कैन है वो बहुत भारी हो जाएंगे, 5-5 किलो के हैं। तो यहाँ से हम ब्लॉक की स्टार्टिंग कर रहे हैं बीच जंगल से, और अभी अंदर भी आना है तो दिखाते हैं आपको, ठीक है? चलो हमारे साथ बने रहो। फिर जंगल काफ़ी बड़ा है ये, पता है आपको? तो दोस्तों पहुंच चुके हैं फिर अपनी लोकेशन में, और काफ़ी पसीना हो गया है, काफ़ी ऊपर आ गए हम, आज ज़रा एडवेंचर करेंगे, ठीक है? एडवेंचर हो गया मतलब ये रिस्क ले लिया थोड़ा, और बारिश का मौसम भी हो रखा है। देखो बूंदे पड़ी है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन भाई लोग टेंट टेंट पिच करने लग गए। तो पहुँच गए फिर, आप जल्दी से टेंट पिच करते हैं भाई, बारिश हो सकती है आज भाई, हो सकेगी क्या, होएगी पक्का, क्योंकि घर से मौसम ख़राब था। तो चार और चीड़ के पेड़ है देखो, तो चलो फिर जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है? आराम से, हाँ पीछे कैमरा है, पीछे तो दोस्तों टेंट पिच हो गया अपने फर्स्ट क्लास से, और बारिश होने भी लग गई। देखो ये बूंदाबांदी, मैं दिखाता हूँ आपको, टेंट में इतने बड़े बड़े छींटे पड़ने लग गए ना, ये देखो पता नहीं आज मौसम क्या हुआ जो बारिश पड़ने लग गई। और पीछे गांव है, ठीक है, चौसली गांव है, तो बहुत दूर आ रखे हम, और यहाँ रामलीला हो रही है, तो थोड़ा साउंड आएगा तो उसको इग्नोर करना प्लीज़ गाइस, ठीक है? तो अभी अपनी जो सामान है सोने वोने का सब अंदर जा रहा है, जिससे भीगे ना, तो फटाक से कुछ लकड़ियाँ ढूंढते हैं मोटी सी जो आग जले रहे, ठीक है? और देखो पूरा जंगल अंधेरा ही अंधेरा। तो चलो दोस्तों, योगेश भाई चाय बना रहे हैं, अब जरा हम दो भाई लकड़ी की व्यवस्था करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, जाएंगे कैंप से यही पास ही में लकड़ी ढूंढते हैं मिली तो, और ये भाई चाय बनाएगा, ठीक है? चलो भाई, एक लकड़ी तो मिल गई ये देखो दोस्तों, कुछ ऐसी लकड़ी मिली फिर एक, तो थोड़ा बहुत आग जलाने के लिए हो जाएगा। लकड़ियाँ तो इस प्रकार सारी सड़ी हुई है ये देखो। तो दोस्तों अभी हम ठेठे ढूंढ रहे हैं, तो वो मिल जाते तो ज़रा आग जलाने में सहायता मिल जाती, बाकी देखते हैं फिर। हथियार लाना भूल गया अपना आज, सिट। तो बाकी ये पाइन की पेड़ी है। तो दोस्तों आज हमारे पास हथियार भी नहीं है, लेकिन लकड़ी मिल गई है हमें दो जलाने के लिए, आगे से कैंप फायर करेंगे, ठीक है? तो वो मोटी मोटी मिल गई है बहुत है, और बाकी पतली लकड़ी हमने ढूंढ ली है। तो देखो दोस्तों बारिश इतनी तेज की पड़ने लग गई, आग भी हमने जलाई रखी है वहाँ, अब चाय पीते हैं फटाक से।
फोन को भी बहाने रख सकते अब। अभी उठा चाय पीते यार गर्मा गर्म ठंडे ठंडे मौसम में। धीरे फिर अब क्या कर सकते हैं, क्यों बाहर बारिश आ रही है बारिश। दोस्तों थोड़ा बहुत बारिश पड़ी थी फिर, और हमने सोचा बारिश पड़ेगी तो शायद बाहर से लकड़ियाँ नहीं जला पाएंगे, अंदर से ही खाना बनाएंगे गैस में, लेकिन बारिश बंद हो गई है, मौसम थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया है, तो थोड़ा पतली पतली लकड़ियाँ भी चाहिए जो कि पेड़ गिरे हैं यहाँ पर, इसमें से निकल जाएंगे। देखो यार ये कट जाएंगे तो मज़ा आएगा, अच्छी लग रही है मेरे को। तो दोस्तों लकड़ी वकड़ी भी ला गई थी फिर, अब चॉपिंग काम करते हैं। आज बनाएंगे हम चिकन पकौड़ी और चावल और राइस, मतलब चावल और उसके साथ हमारा चिकन, ठीक है। पहले पकौड़ी बनाएंगे चिकन की, तो दिखाते हैं आज की कैंपिंग, और कैंपिंग आज की बहुत तगड़ी होने वाली है, हार्ड कैंपिंग, हार्ड क्या एडवेंचर से एडवेंचर होने वाली है। तो वहाँ से हम लकड़ियाँ लाए तो आग क्या अच्छी से जल रही है, मज़ा आ गया। सारा सामान अंदर डाल दिया था, बस भाई थोड़ा पीसेस वाला लाना चाहिए, बड़े तो नहीं बना रखे तुमने योगेश भाई, ये तो बहुत बड़े पीस बना के ला रखे हो तुम। ठीक है बन जाएंगे टेंशन मत ले। तो एक बंदा इधर आओ फिर, आप एक बंदे की हेल्प चाहिए मुझे। छोटे छोटे पीसेस है ना, इनके बनाएंगे हम पकौड़ीस, ठीक है। तो उनको अच्छे से कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो लेग पीसों को भी डालते हैं आज, इनकी बनाएंगे पकौड़ीस, ठीक है। इसमें ज़रा कट्स लगा देते हैं जिससे बेसन अंदर चले जाए इसका मटेरियल, तो ये सही है। आज ना बारहवीं की कुछ कुछ नहीं बनाएंगे आज, ज़रा नया ट्राई करते हैं कुछ। तो ये हो गया, ठीक है। इसको डालते हैं इसमें, धोते हैं, तो पानी पकड़ा दो फिर। अब इनकी बनाएंगे हम पकौड़ी, ठीक है। अच्छे से हाँ इनको अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि पकौड़ी अच्छे से बन जाए ना। इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला तो डलना ही चाहिए, ये डल के बड़ा बनेगा, इसमें पूरा जलेगा नहीं मसाला डल है। हाँ इसकी बिना तो इसमें स्वाद आएगा, एक है तो सही हमारे पास, इसको डाल जाएगा, ठीक है। चिकन भी डालते हैं इसको, क्योंकि हरे धन डालते थे ना, तो धीरे धीरे पानी डालते हैं इसमें, ज़्यादा हो नहीं होना चाहिए इसको। तो अच्छे से मिक्स हो गया ये पूरा मसाला, देखिए, और पूरा बेसन भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको आराम से फ्राई करते हैं और इसके मस्त से पकौड़ी खाते हैं, ठीक है। चलो आग की ओर। तो दोस्तों आग भी जल रखी है अपनी, अब यहाँ अपने पकौड़े तलते हैं फर्स्ट क्लास से, और बिल्कुल गर्म तेल हो गया है, अब मस्त करके बनाते हैं। आज हमने आग की व्यवस्था सारी कर रखी है, तेल कम है, लग गया लग पीस, ये लग पीस चल गया अपने आराम से। तो एक किलो तेल डाला हूँ, बाकी साइड में एक ये तो ये देखो लेग पीस बन गया है ना, ऐसे ही बनाया, ठीक है। ये छोटी छोटी लटका
ठीक है ये बन गए क्रंची ठीक है 50 के 3 ना ये लेग पीस में जरा लगाओ मसाला बिकी पकड़ ये दूसरा लेग पीस है अपना देखो जरा लेट तो अब दोस्तों जरा नींबू काटते हैं पकौड़ियों में डालने के लिए थोड़ा सब्जी के लिए बचा देंगे ये नींबू कट गया अपना यहाँ इनको रखते हैं बाकी तो हमने आधे उड़ा लिए हैं लेकिन होना चाहिए ना इसमें नींबू पड़ना चाहिए ये थोड़ा स्वाद आएगा तो अलग ही मज़ा आएगा इसका ठीक है फिर दोस्तों ऐसे बन रखे हैं देखो लेग पीस तो ये कुछ पकौड़े लेग पीस के भी बना दिए हमने ये थोड़ा सा तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो चलो चखते हैं फिर पीसों को भाई बताओ चखो ऐसे हो रहे एक नंबर स्वाद यार वैसे तो हमने चख मजा आया भाई साहब मजा आ गया गाइस मजाक से हटके नींबू डाल के तो अलग ही मजा आ रहा है ना यार नींबू ये वाला ही डालना है इसको मत डाल चखे चलो बहुत बढ़िया भाई रंगत आ गई यार सही में मजाक से हट के मजा रखा है पेट करने के लिए चिकन बनेगा ये तो हर टेस्ट लाए थे हम इसमें ये स्वाद आता है इसमें चॉपिंग हो गई अपनी थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा लहसुन पत्ता वाओ ऐसे मौसम का अलग ही मज़ा है अभी थोड़ा देर ठंडा हो रहा था लेकिन अब ठंडा बंद हो गया है ठीक है अब अपना ये तो कर अब तो हो गया ठीक है अपना इसमें प्याज आराम से कोला जा रहा है मसाले काफ़ी अच्छे से बन चुके हैं ये देखो अब इसमें बस चिकन डालने की ज़रूरत है हो गया ये हो जाएगा अपने अब चिकन डालते हैं इसमें बढ़िया से यह ठीक है मसाले तो पूरे गजब के बन रखे भाई गजब के तो दोस्तों हम पानी हमारा पानी खत्म हो गया आज भी आज पता नहीं आजकल हमारा पानी क्यों खत्म हो जा रहा है तो अभी हम रोड साइड आ रखे हैं करीबन 1 किलोमीटर दूर है पानी यहाँ से तो काफी रिस्क में आ रखे हैं तो पानी तो चाहिए ना सारे जितने लाए थे सब खत्म हो गया खाना वाना बनाने में ठीक है पानी वानी भरने चलते फिर ऊपर क्यों ऊपर यहाँ से जंगल ही है अभी हम फिलहाल रोड में हैं पूरा बंद जंगल है हाँ पूरा जंगल बंद है झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ यहाँ से जरा रिस्क लग रहा है लेकिन पानी तो लाना है कैसे करके बहुत दूर से आ रखे हैं पानी सेफ है ना साफ है ना पानी अभी हम यहाँ पानी भर रहे हैं कोई बात नहीं इसको फुल आराम से करना नीचे गंदगी होगी देखना मट्टी मट्टी हो जाएगी फिर आराम से भरना बस साफ पानी होना चाहिए फिलहाल दोस्तों हम पानी के स्रोत की उधर तो आ चुके हैं अब यहाँ से पानी भर रहे हैं फिर स्रोत इतना अच्छा है कि क्या कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में एकदम वो आ रहा है
वो भर जाएगा, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से जल्द से। पूरा टेंट हम अकेला छोड़ के रखें तो एक बंदा तो वहाँ रह नहीं सकता है ना, परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कैसे तैसे। इतना बड़ा पेड़ गिड़क है सामने, हैं ऐसी ऐसी जगहों से निकलना पड़ रहा है रात के टाइम में जंगल से। ठीक है चलो, बारिश भी पड़नी दोस्तों, बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी पड़ने लगी और दोबारा से, और यहाँ से टेंट बहुत दूर है तो जल्दी जल्दी हमें स्टेप बनानी पड़ेंगे अपने। दोस्तों देखिए पूरा बारिश स्टार्ट हो गई है, हम रोड में पहुँच गए अपने, यहाँ से थोड़ा आगे जाना है, जंगली जंगल है तो बारिश तो अब क्या करें यार, बारिश ने तो और दिमाग खराब कर दिया है। तो दोस्तों फाइनली टेंट में पहुँच गए कैसे तैसे करके, ठीक है, और बारिश भी बहुत तेज पड़ने लगी है, हमारा टेंट पूरा गीला हो गया है। देखो ये देखो ये पूरा गीला हो गया है। ये वाली रेन कैंपिंग ना हमें बहुत भारी पड़ गई, एक तो सबसे पहले पानी ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, हालत ख़राब होगी वहाँ जाते जाते, दिमाग भी ख़राब हो गया, ऊपर से रिक्स भी और ऊपर से बारिश, भगवान। तो खाना तो हमारा बन गया था, अब जल्दी से खाना खाते हैं और टेंट के अंदर पैक होते हैं, ठंडा भी हो रहा है। ठीक है चलो बारिश देखो। तो अब ये बारिश तो हो ही गई, हमने कैसे इसके एडजस्ट कर रखा है, तो अब धनिया पड़ेगा अपने चिकन में, हमने यहीं से रख दिया था ये, अब जैसी परिस्थिति है वैसे ही रहना पड़ेगा। ये अपना चिकन है, वाओ क्या गजब यार, गजब यार। हाँ धनिया ऊपर ऊपर से बुरबरा, आइए भाई नींबू भी चाहिए यार, नींबू नींबू कहाँ रखे है। तो ये हो गया, ये हो, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं, ओ नीचे फंसा है। तो भाई अपना चिकन ना कुछ इस प्रकार बन रखा है, देखो काफ़ी मेहनत के बाद नींबू डाले, ठीक है। तो ये नींबू पड़ गया अपना फर्स्ट क्लास से, मिले दो, ठीक है हो गया, नींबू का स्वाद आना चाहिए ना भाई। ये अपने बिक्की भाई खाना परोस रहा है, अभी हम बाहर से सूट नहीं ले सकते हैं क्योंकि बारिश आ रही है, पूरा दिखा नहीं सकते। ये हो गया एक, ये दो, ये तीसरी थाली, ठीक है। अब मिर्च दे, मिर्ची उठाओ, ठीक है। ये अपना हो गया रेडी चिकन, अब भाई तुम्हारा अब टेस्ट बताना कैसा हो रखा है, ठीक है। चलो ये भाई बताओ, आज स्टार्ट करो जल्दी ही हो गए, बिकी जल्दी कैसा हो रहा है, सच्ची बता, एक नंबर बढ़िया हो रहा। चावल थोड़ा ठंडे हुए ना, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रेवी वो है ना, चावल लास्ट में बनाएंगे। ये देखो, ये देखो चिकन भी सही पकाया यार, तुम कह रहे थे नहीं पकाया, ये आप भी खाओ हमारे साथ, तो स्वाद आ रखा है ना नींबू का, हल्का हल्का खट्टा, उसमें नमक ज़्यादा नहीं डाला तुमने, डाला है वहाँ तक, नमक सेव रखा था कहाँ तक, वो यहाँ तक हमने ग्रेवी नहीं बना रखी थी, उसकी बात तगड़ा हुआ है, उसी को ही तेज कर दूँगा। तो दोस्तों बारिश पड़ने लग गई, फिर अब खाना वाना भी खा लिया कैसे तैसे करके, पूरे भीग भी गए हैं, ये क्या हो गया। तो ठीक है ये देखो बारिश, चुपो चुपो चुपो, बारिश देखो, बारिश का साउंड सुनिए, बाकी बाल बाल भी भीग गए हैं, फिर मेरी जो जैकेट थी वो भी भीग गई है, अभी टी शर्ट में उतरा हूँ, ठंडा भी हो रही है, उसको पहन तो सकता नहीं। बाकी ये दो भाई अपने लेटे हैं यहाँ खाना वाना खा के, मैं भी जैकेट खोल पाया। चलो फिर दोस्तों बिस्तर बिस्तर लग गया फर्स्ट क्लास से, और देखो बारिश की बूंदें अभी तक पड़ रही है, तो अब ठंडा भी हो रहा मौसम, सोते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि आज सब जल्दबाजी में ही करना पड़ा, सामान वामान सब अंदर डाल रखा है, वो ज़्यादा भसड़ टाइप की हो रखी है अंदर, आधा सामान तो बाहर से रहता है। देखो बूंदें देखो, ये हवा भी पड़ रही है बाहर से। तो चलो फिर मिलते हैं एक नई मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में देखते हैं। वैसे कैंप के अंदर उतना ठंडा तो नहीं हो रहा, लेकिन बाहर बहुत ठंडा हो रहा था जब हम बाहर गए थे ना खाना खाने के बाद, तब
तो उसके बाद बहुत ठंडा हो रहा था। ये भाई लोग तो सो गए हैं, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नई मॉर्निंग में। और मॉर्निंग इस तरह हो रखी है, कोहरा ही कोहरा चारों ओर, कैंप की ओर चारों ओर कोहरा ही कोहरा, क्यों? और सुबह सुबह ठंडा भी हो रहा हल्का फुल्का। तो कल रात मैं उठा, जब बारिश इतनी भयंकर पड़ रही थी, इतनी भयंकर पड़ रही थी, क्या कुछ नहीं कह सकते थे, फिर भी मैं हैरान हो गया कि टेंट अगर, मतलब ये सोच रहा था कि टेंट के ऊपर ओले गिर रहे हैं, इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी। मैं उठा, मैं चेक करा इधर उधर, मैंने बाहर देखा, नॉर्मल बारिश थी, लेकिन बारिश बहुत तेज से हो रही थी। यकीन नहीं था कि इतनी जोर की भी बारिश होगी। अच्छा हमने क्लिप व्लिप सब लगा दी थी, ठीक है। मैं टेंट की हालत दिखाता हूँ, फिर भी टेंट बहुत गीला हो रखा है। ये देखो गाइस, बहुत गलत गजब हालत है यार, सही में। हमारा क्लिप व्लिप तो अच्छे से लगे थे, मैंने टाइम पर ठोक वोक लिए थे, तो ऐसा था कुछ। और कोहरा देखो, मौसम देखो चारों ओर का भी। चलो फिर चाय बनाते हैं ठंडे मौसम में। भाई लोग सभी उठ गए हैं, हम अब घर को भी निकलेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन आज धूप भी मुझको मुश्किल लग रहा है, धूप का आना बहुत लेट आ सकती है, इतने कोहरे में तो मुझे पता भी नहीं है। देखो बंद जंगल कितना चारों ओर हरा वो हो गया कोहरे से लतपत। सुबह सुबह चाय मिल जाए तो अलग ही मजा है। तो ये भाई लोग चाय वाय बना दी फिर अपनी, अब चाय पीते हैं यार, गर्मा गर्म उबलती हुई चाय, ठीक है। तो कुछ है, ये तो कुछ आ रही है।